हरियाणा में फंसे उत्तर प्रदेश के सैकड़ों मजदूरों को आज हरियाणा रोडवेज द्वारा मथुरा हरियाणा बॉर्डर पर छोड़ा गया, जहां से मथुरा के जिला प्रशासन द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों द्वारा उनके गृह जनपदों के लिए भेजा जा रहा है, जिनमें लगभग 40 बसों से सैकड़ों मजदूरों को आज उनके गृह जनपद भेजा गया है। वहीं इस मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए मथुरा के डीएम और एसएसपी स्वयं मथुरा हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां से सैकड़ों बसों द्वारा उन्हें उनके गृह जनपदों भेजा गया। वहीं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी बसों में उनके साथ पुलिसकर्मी के साथ साथ खान पान की व्यवस्था भी की गई। वहीं हरियाणा से आए सभी मजदूरों का मथुरा बॉर्डर पर स्वास्थ्य परीक्षा करने के बाद ही उनको उनके गृह जनपद भेजा जा रहा है, जिसके लिए डॉक्टरों की टीम भी हरियाणा मथुरा बॉर्डर पर लगी हुई है। वहीं सभी को सकुशल उनके गृह जनपद भेजने के लिए मथुरा जिलाधिकारी ने जानकारी दी। मजदूर उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा में फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे बॉर्डर पे हम लोग ले रहे हैं और संबंधित जनपदों के बसों से भेज रहे हैं। इस क्रम में अभी तक 40 बसों में लगभग 850 श्रमिक अब तक आ चुके हैं और यहाँ से 20 बसें संबंधित जनपदों को जा चुकी हैं। हरियाणा की जो बसें आ रही हैं वो खाली करके वापस हरियाणा जा रही हैं। यहाँ से हम लोग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से भेज रहे हैं। बसों में जो भी श्रमिक या हमारे जो लोग जा रहे हैं साथ में, उन सभी के लिए लंच पैकेट, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हम सब लोग सभी लोगों को पर्याप्त संख्या में करा करके बसों पर।